तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा देख सकते हैं मेरे हाथ में रेडमी नोट 4 है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया है, तो आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को हम लोग फिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ब्लूटूथ स्टॉप हैज बीन स्टॉप ये जो आ रहा है बार बार। मैं इससे इरिटेट हो गया हूँ क्योंकि ये मेरा ही पर्सनल फोन था जिसे मैं दुकान का रिचार्ज उचार्ज किया करता था, पेटीएम के वाईसी सब किया करता था। तो काफ़ी इरिटेट मुझे ये फ़ोन कर दिया है और मैं बहुत परेशान हुआ कि ये प्रॉब्लम किस वजह से। आप देख लीजिए यहाँ पे एक ब्लूटूथ रखा है, तो इसी ब्लूटूथ को मैं एक कस्टमर को चेक करा रहा था और इसमें बहुत सारे ब्लूटूथ लिस्ट आ गए थे, ऐड हो गए थे इस फोन में। मैं बहुत दिनों से डिलीट नहीं कर रहा था, अनलिस्ट नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये जब कनेक्ट हुआ एसएस ब्राइट कंपनी का था, ये चाइनीज कंपनी था। उसके बाद ये जो कस्टमर को मैंने चेक कराने के लिए किया और कस्टमर जो है एक लेडी थी और बहुत इरिटेट भी उन्होंने भी कर दिया था और लास्ट में ली कि नहीं ली वो पता नहीं, ली ही नहीं। और उनको मैं कई सारे ब्लूटूथ भी दिखाया, काफ़ी जो प्रॉब्लम होता है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग देख के एक लाइक कर दिया करिए फ्रेंड्स। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आ जाता है, तो आज की वीडियो में मैं इसका जो है प्रॉब्लम का सलूशन आपको दूंगा। यदि इस वीडियो को देख के आपका प्रॉब्लम सलूशन हो जाएगा तो ठीक है, तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं देखिए काफ़ी इरिटेट होने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ों को चेक कर रहा हूँ जो है फिक्स करने के, मैसेज सेंड करना जो होता है एमआई फिक्स करने के लिए, मेल करना होता है, सारा चीज करके देख लिया, नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो हमें कुछ इसमें जो है, मैं यूट्यूब पे भी वीडियो इस पर चेक किया, बहुत सारे बता रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रिक यूज करने से कुछ देर के लिए फोन ठीक हो रहा है लेकिन फिर से वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। बार बार कुछ करने जा रहे हैं तो भी ये देखिए आ जा रहा है। तो हमें बहुत इरिटेशन हो रहा है, मैं ये 2-3 दिन से झेल रहा हूँ क्योंकि इस फोन में मेरा 64 GB डाटा है, क्योंकि जो ये 4/64 वाला ही फोन है और 64 GB डाटा इसमें स्टोरेज है। तो मैं इसमें नहीं चाहता कि मेरा इसमें व्हाट्सअप भी है, सारा चीज़ है और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और 4-5 सालों से। मैं 2016 के जो है एंड में इस फ़ोन को जो है एक फ्रेंड ने, मेरे ब्रदर के फ्रेंड ने इसे परचेस किया था और उसके पास पैसे की कमी थी, उसने ये फ़ोन को सेल आउट कर दिया था, मेरे ब्रदर लिए, फिर उसके बाद मुझे ये हैंड ओवर कर दिए और मैं काफ़ी दिनों से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा था। और देख लीजिए मैं सेटिंग में आ चुका हूँ, यहाँ पर आने के बाद इस ब्लूटूथ ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं पीछे आपको करके दिखा रहा हूँ सेम मैं इसी से करते जाइए, कुछ स्टेप आप फॉलो करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यदि ठीक हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इस पर प्रॉपर सलूशन आपको दूंगा। तो यहाँ पे देख के यदि आपके फ़ोन में हो सकता है यदि ठीक तो हो जाएगा, नहीं तो आपको कुछ जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं उस वीडियो को, इस वीडियो के एंड में उस स्टेप के बारे में बता दूंगा कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो आप लोग, जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए। देखिए फ्रेंड, अब जो मेरी वॉइस क्वालिटी आती है बहुत नॉइस आता है, लेकिन अब मैंने फ़ोन चेंज कर दिया, रेडमी नोट 6 प्रो ले लिया। मैं इस फ़ोन से अपना वीडियो शूट करता हूं और अब नॉइस कैंसिलेशन, लेकिन इस फ़ोन में एक वीडियो शूट हुआ था ये वाला, तो मैंने सोचा कि इस पे जो अभी वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग को जो है सारे इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो इस पे नोट 4 के ऊपर मैं कई सारे वीडियो अभी ला दूंगा और जो है पैटर्न अनलॉक और आपका MI अकाउंट अनलॉक के साथ सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो आपको दूंगा, तो आप लोग देख के अपना फ़ोन ठीक कर सकते हैं। और अभी रेडमी नोट 10 और वीवो V20 और वीवो Y20 ये सब के ऊपर भी मैं अनलॉकिंग वीडियो ला दूंगा। तो मैं आप लोग को ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग का जो PC थ्रू नहीं हो, आप लोग को अपने हैंड से ही, अपना हाथ से ही कर पाए विदाउट PC, क्योंकि जो है बहुत सारे लोगों के पास PC नहीं रहता। और आप लोग के लिए मैं वीडियो न्यू अपलोड करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कुछ और नए चीज़ों के ऊपर वीडियो देख के कुछ सीखे। मैं YouTube के नॉलेज आपको शेयर करता हूँ, कई सारे वीडियो आप लोग को अलग अलग तरह के देने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग नहीं देखना पसंद करते। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ पे गूगल में, और गूगल में यहाँ पे एक ऐप्स लोड कर रहा हूँ जो इसको रिप्लेस करने के लिए आप लोग जैसे जैसे मैं वीडियो कर रहा हूँ करते रहना आपको सेम वैसी ट्रिक का यूज। तो मैं आप लोग के लिए कुछ अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो भी लाता रहता हूँ, लेकिन आप लोग सब वीडियो नहीं देखते, थोड़ा देखते हैं कट कर देते हैं और आप लोग का फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत लोग करते ही नहीं, बहुत लोग करते भी है तो जो है मेरा नया वीडियो भी आता है वो लोग नहीं देखते। तो यहाँ पे कोई भर्ती होने वाला जो था नहीं चल रहा है कि आप लोग आए चैनल को सब्सक्राइब किए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसे ना देखें। तो मैं जो कुछ भी लाता हूँ अपने मेहनत के दम पे लाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा कंटेंट देखना पसंद करें और किसी भी टॉपिक पे मैं वीडियो लाता हूँ तो प्लीज़ एक बार वीडियो को 80% तो कम से कम देख लिया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आप लोग के लिए अलग अलग कैटेगरी के चैनल और अलग अलग नॉलेज आपको शेयर करूंगा। मैं फैक्ट्स भी बता सकता हूँ, हेल्थ के बारे में भी बता सकता हूँ, हर एक चीज़ का नॉलेज है। मैं कई सालों से इस सब लाइन में हूँ और इस सब चीज़ों को देख रहा हूँ। मुझे पहले साइनस की प्रॉब्लम थी, मैंने साइनस का अपना बीमारी ठीक कर लिया, ये सब सारी चीज़ें, माइग्रेन भी ठीक कर लिया, बहुत सारे।
तो इस हिसाब से यदि आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो ठीक है फ्रेंड, नहीं तो आपको अपना फोन को रीसेट करना पड़ेगा जो है अपना, पहले डाटा बैकअप करके फिर उसके बाद डाटा बैकअप होने के बाद आप पीसी या किसी मेमोरी कार्ड में बैकअप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, अपना गूगल अकाउंट और जो है MI अकाउंट पासवर्ड रिमूव कर देना, तब आपको जो है फोन को रिसेट करना, नहीं तो उस पर लॉक हो जाएगा फोन। और उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो 3-4 बनाई है, यदि FRP लॉक, गूगल अकाउंट लॉक या MI अकाउंट लॉक आता है तो मैंने Redmi Note 4 के ऊपर अलग से वीडियो ला दी है, तो उस वीडियो को देख के आप लोग कर सकते हैं। यदि आप ये जो रिमूव करके करेंगे तो आपका लॉक नहीं आएगा, तो उसे आप लोग जो है रिमूव कर दें। यदि आपका पासवर्ड है, ईमेल आईडी पता है, सारा चीज पता है, तो आप बेझिझक रिसेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और चलिए फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में यही एंड करेंगे, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।